हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय कुकिंग व्लॉग। आज की रेसिपी में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सिंपल, इजी, टेस्टी और स्पाइसी चटपटी सी कद्दू की सब्जी, जो कि बहुत ही झटपट बन जाती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने आधा किलो कद्दू ले ली हूँ, जिसको काट के पीस करके रख ली हूँ। अब इसको आप अच्छी तरीके से बारीक बारीक पीस कर सकते हैं, ज़्यादा मोटा ज़्यादा पतला नहीं करना है, ठीक है। अब इसको हम सबसे पहले धुल लेंगे अच्छे तरीके से। एक टोप लेंगे, उसके अंदर पानी ऐड करेंगे और हमारा जो कटा हुआ कद्दू है वो ऐड कर देंगे। कद्दू को साइड में रख देंगे। यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली हूँ, उसके अंदर मैंने एक कटोरी तेल डाल दी हूँ। 4 से 5 कटी हुई हरी मिर्ची ऐड कर देंगे सबसे पहले। यहाँ पर एक कटा हुआ प्याज मैंने ली हूँ, जो कि छोटा साइज है, उसको भी ऐड कर देंगे। अच्छे तरीके से ब्राउन कर लेंगे। 4 से 5 तेज पत्ता हम ऐड करेंगे। इसके अंदर हम ये मिक्स मसाला ऐड करेंगे, जो कि हम लोग करेले का मसाला में ऐड करते हैं, इसको करेले का मसाला भी कहते हैं। 1 चम्मच हम ये ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून। अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे हम लोग इसको अच्छे तरीके से। अब हम यहाँ पर हमारा जो कटे हुए कद्दू है धुले हुए, उसको ऐड कर देंगे। आप चाहे तो इसके अंदर इमली, खटाई या आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। सारा कद्दू भोपला ऐड करने के बाद 1/2 चम्मच हल्दी, 1/2 चम्मच लाल भूखी मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। एक बार अच्छे से हम इसको मिक्स कर लेंगे, भून लेंगे इसको पानी के अंदर ही। इसके अंदर पानी ऐड नहीं करना है, जो ऑयल रहेगा उसी के अंदर हम इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। स्वाद अनुसार इसके अंदर हम नमक ऐड करेंगे। नमक ज़्यादा नहीं डालना है, क्योंकि कद्दू की सब्ज़ी पकने के बाद कम हो जाती है। अच्छे तरीके से भूनने के बाद इसको हम बिना पानी डाले ढक देंगे, कम से कम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बिना पानी डाले इसके अंदर कितना सारा पानी निकल रहा है। वही पानी में हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे, फिर इसको अच्छे तरीके से ढक देंगे 5 मिनट के लिए या 10 मिनट के लिए। 5 से 10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं हमारा जो कद्दू की सब्जी अच्छी तरीके से भुन चुकी है। अब जितना भी ऑयल है ऊपर आ चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसी तरीके से हमारी जो रेसिपी है बन चुकी है। वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।